सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ द ऑल न्यू 2020 टाटा हैरियर कैमो एडिशन का। स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट आप लोगों के लिए, अगर आप एक अपनी पुरानी कार ऑन करते हैं जिसको आप सर्विस पे लेके जाते हैं, पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी में आप लोगों को इश्यूज आते हैं, तो budmo.com को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन अपनी गाड़ी का नाम नंबर लाइक डाल सकते हैं कि ये डीजल वेरियंट है, वेरियंट का नाम कौन सा है, ये सभी चीज़ें आप डाल सकते हैं और उनके पार्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। हर प्राइस में, हर रेंज में अलग अलग क्वालिटी के पार्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप मंगाइए, अगर आपको 10 दिन तक पार्ट्स की क्वालिटी में कोई भी इशू आते हैं, आपको पसंद नहीं आते हैं, तो आप रिटर्न कर सकते हैं, पूरा अमाउंट वापस से आपको अपने अकाउंट में मिल सकता है। और जो गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में बंद हो गई है बिकना, उनके भी पार्ट्स वहाँ पर कंपनी अवेलेबल रखती है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो डेफिनेटली एक बार budmo.com को आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अब स्टार्ट करते हैं टाटा हैरियर कैमो एडिशन को, जानते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या कुछ अलग मिलता है नॉर्मल टाटा हैरियर। सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट डिज़ाइन जो है वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपको चेंज दिखेगा वो है ये कलर। तो ऑल ये जो ग्रीन कलर है या ऑलिव ग्रीन जिसको बोल सकते हैं, इस कलर के अंदर कंपनी ने इसको यहाँ पर इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है कैमो एडिशन के अंदर। और यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है तो देख सकते हैं, ये LED DRLs हैं जो कि टर्न इंडिकेटर्स का काम करती है। पूरी फॉग लैंप असेंबली यहाँ पर आपको मिलती है, हेडलैम्प असेंबली यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर बीच में एक जो है टाइगर बना हुआ है वो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। और ओके, अब आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, तो ये हेडलैम्प असेंबली है, इधर आपको फॉग लैम्प मिल जाती है, ऑल ब्लैक सराउंड इसको जो है मिलती है। और ये डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बल्की, काफ़ी स्पोर्टी कैरेक्टर जो है ऐड करती है इस गाड़ी में। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये कंप्लीट आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है जिसमें टाटा का लोगो क्रोम के अंदर प्लेस किया हुआ है। वहीं नीचे देखेंगे तो काफ़ी बड़े आपको एयर डैम्स मिलते हैं जो कि यहाँ पर सेंटर में मिलते हैं, जिससे रेडिएटर क्लियरली विजिबल होता है। और नीचे आप लोगों को काफ़ी बड़ा मैसिव बम्पर मिलता है, 205mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, नीचे से कुछ स्टेप से है तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा है तो मैं कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। तो कुछ इस टाइप का जो है ये फ्रंट डिज़ाइन है गाड़ी का और ये काफ़ी मतलब लाइक मस्कुलर अपील जो है वो देता है। अब चलते हैं साइड पोर्शन में और क्या कुछ चेंजेस हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि टाटा हैरियर तो हर किसी ने देखी हुई है, सिर्फ कैमो एडिशन में क्या अलग है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये वाइट कलर के अंदर ये कैमो का जो बैजिंग है वो देखने को मिलेगी और ये थोड़ा सा जो बोल सकते हैं ना कि प्लास्टिकी और रबरी फिनिश जो है इस टाइप से ये फील होती है। तो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। और वंस अगेन एक और चीज़ यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगा कि ये जो है वो अभी से ही, जैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों ने हाथ लगाया होगा, तो ये थोड़ा सा जो है गंदा हो रहा है तो इसको आपको क्लीन वगैरह जो है वो करना पड़ेगा। फोकस आउट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे की साइड में। तो यहाँ पर आप लोगों को ये काफ़ी बड़े मैसिव से दिखने वाले ब्लैक कलर के अंदर जो है अलॉय व्हील मिलेंगे। ये ऑल ब्लैक नहीं, लाइक जेड ब्लैक नहीं, ये ग्रेश फिनिश के अंदर अलॉय व्हील है। टायर का साइज़ 235/65R17 रखा गया है, अपोलो के टायर कंपनी ने यहाँ पर यूज़ करे गए हैं और सस्पेंशन जो है वो क्लियरली यहाँ से विजिबल हैं। व्हील आर्चेस दिए गए हैं, बॉडी क्लाइडिंग ऑल अराउंड 360 डिग्री जो है वो दी गई है गाड़ी में। साइड से भी देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, लाइक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर, लाइक ये 4x4 तो नहीं है और टू व्हील ड्राइव ही आती है, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में जो है आती है, बट फिर भी इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर मोड्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं। अब साथ में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये ड्यूल टोन में जो है ORV मिलते हैं जिनमें LED टर्न इंडिकेटर्स माउंट किए गए हैं। ये नीचे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको ये ग्रीन कलर के अंदर मिलते हैं, यानी कि बॉडी कलर। रिक्वेस्ट सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं और क्रोम की ये विंडो लाइन ऊपर की तरफ दी गई है जो कि लास्ट में जाके एंड होती है। नीचे यहाँ पर जो है क्रोम मिस होगा, लाइक आप लोग अगर चाहें तो लगवा सकते हैं जिनको ज़्यादा क्रोम चाहिए। पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही आप लोगों को बी पिलर मिल जाता है, विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है, ऊपर आप लोगों को रूफ रेल जो है वो एज एन एक्सेसरी परचेस करनी पड़ेगी कैमो एडिशन के अंदर, वो 49,000 rupees का एक्सेसरी पैक इसके अंदर लगाना पड़ेगा। क्या कुछ मिलेगा वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पर हैरियर लिखा हुआ है, पूरी ये क्रोम स्ट्रिप जो है वो कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करती है जो मैंने आप लोगों को बताई। तो साइड पोर्शन जो आप लोगों ने देखा ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें सिर्फ एक चीज़ जो कैमो की बैजिंग थी वो थोड़ी सी अलग थी, बाकी यहाँ पर ही आप लोगों को ये डीजल का टैंक दिया हुआ है और 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। पेट्रोल में अभी तक आई नहीं है, लाइक नेक्स्ट ईयर ही आएगी अब तो। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं थोड़ा सा ये ब्लैक फिनिश दी गई है, फेक एयर एग्जॉस्ट या फेक एयर वेंट्स का जो है ये काम करते हैं। और नीचे की तरफ अपन देखते हुए चलते हैं, पहले तो अगेन यहाँ पर फेक एग्जॉस्ट काइंड ऑफ फिनिश बनाई गई है, बट जो रियल एग्जॉस्ट है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है और जो स्टेपनी है वो भी यहीं पर कंपनी ने जो है वो नीचे की तरफ माउंट की है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से जो है लुक मिलता है नीचे से गाड़ी का।
अब आ जाते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर बम्पर पे चार पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स माउंट किए गए हैं, टाटा हैरियर जो है तो यहाँ पे हैरियर की बैजिंग, और ये रियलिटी में बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है, पियानो ब्लैक स्ट्रिप मिलती है जो कि ज्वाइन करती है यहाँ पर, जो ये टेल लैंप दिए गए हैं इनको, तो टेल लैंप जो है वो काफ़ी आगे तक आ जाते हैं बॉडी के, टू पोर्शन में ये टेल लैंप है। रियर जो लैंप होता है वो रिवर्स गियर वाला, वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर स्पॉयलर मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों को स्टॉप माउंट लैंप मिलता है, डिफ ओवर दिए गए हैं, वाइपर दिए गए हैं। तो ये पूरा जो सीन है वो पीछे का दिया हुआ है, वोकल फॉर लोकल और ये वॉइस का सिंबल, तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। और अगेन ये क्या है ये तो आप लोगों को पता है, और लास्ट वाला जो रिव्यू करा था उसमें आप लोगों ने जो कमेंट्स करी थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर कुछ इसके बारे में बोलूँगा नहीं। तो जो पूरा शेप है वो एक बार आप पीछे से अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं इंटीरियर में कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलता है। एक जो कमी मुझे रियर में लगी वो है शार्क फिन एंटीना, कि इसमें ये नॉर्मल एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना मिलता तो काफ़ी अच्छी बात जो है वो हो जाती। अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो गेट की ओपनिंग अगेन काफ़ी अच्छी है, जितनी साइज़ की एसयूवी है उसके अकॉर्डिंगली कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। एंड यहाँ पर देखते हुए चलते हैं तो ऑल ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिल जाता है, डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, और थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है जो कि बहुत कम काम में आती है। और अब चलते हैं इस तरफ, तो सीट जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, लाइक आपका हाइट हेल्थ जो भी हो हर टाइप का पर्सन यहाँ पर आराम से फिट हो जाता है, उतरने चढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैं अंदर बैठ के भी बताता हूँ, और काफ़ी ऊपर की तरफ आप बैठते हो एसयूवी वाला पूरा एकदम मस्त वाला फील आपको जो है वो आता है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है, नी रूम आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। मेरी हाइट तो 5'10" है, लाइक 6 फीट 6.2 फीट तक भी आप यहाँ पर आराम से या उससे भी बड़े हैं तो भी बैठ सकते हैं। आप लोगों को एक बार मैं हेडरूम जो है वो बता देता हूँ, तो आप देखिए काफ़ी डिसेंट जो है हेडरूम यहाँ पर मुझे मिल रहा है। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल हैं दोनों ही पैसेंजर के लिए, थर्ड पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट जो है वो नहीं दिया गया है, बिकॉज अगर यहाँ पर थर्ड हेडरेस्ट होता तो डेफिनेटली जो पीछे वाला ग्लास है वो काफ़ी छोटा है और एरिया जो है ब्लॉक हो जाता, तो रियर व्यू जो मिरर है IRVM जो है उसमें दिक्कत आती देखने में। अब यहाँ पर आप लोगों को ये जो है आर्मरेस्ट मिलता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, एंड ये जो टेक्स्चर है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और कैमो एडिशन की वन मोर थिंग है जो पहचान आपको करवाई वो है ये स्टिचिंग्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के अंदर जो स्टिचिंग्स कंपनी ने दी है, और डेफिनेटली थोड़ा सा एक अच्छा टच देती है, और इंटीरियर में आपको पता लगता रहेगा कि आप कुछ एक अलग एडिशन में बैठे हैं, नॉर्मल गाड़ी नहीं है। वन मोर थिंग, ये जो सीट है वो 40 एडजस्टेबल नहीं है, आपको ये कंप्लीट बेंच फोल्ड जो है ये सीट मिलती है, तो मैं एक बार उतर के आपको वो भी बता ही देता हूँ कि किस टाइप से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से जो है इसे फोल्ड कर सकते हैं। पीछे आपको जो है अराउंड 425 या 450 लीटर के आसपास का अप्रॉक्स जो है ये बूट स्पेस मिलता है, वो मैंने यहीं से आपको बता दिया, रियर में ओपन करके नहीं बताया, तो अब चलो याद आइए तो वो भी आपको एक बार बता दिया जाए। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फ्लैट फ्लोर वाला बूट है, लगेज कैरी करने में और लोड करने में कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। नीचे जो है आप लोगों को यहाँ पर ये टूल किट वगैरह जो है मिल जाता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये टूल किट वगैरह रखा है, तो ये सारा सामान पीछे आप रख सकते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर एक लाइट भी दी हुई है, और यहाँ पर ओके इधर कोई लाइट वगैरह नहीं है, इसको बंद करने के लिए यहाँ पर ये हैंडल दिया हुआ है, और काफ़ी इजी है उसको क्लोज करना। बीच में जो है ये फ्लोर हम्प है, बहुत बड़ा है, थर्ड पैसेंजर को बैठने में प्रॉब्लम ज़रूर से आएगी। और अब आते हैं वन मोर एक थिंग पे, ये इतनी ज़्यादा डार्क हो गया है यहाँ पे कि मुझे खुद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और मैं एक बार इसको जो है लाइट्स ऑन करके आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे की साइड में USB पोर्ट दी गई है, 2.4 एम्पियर की दो USB पोर्ट आपको मिलती है यहाँ पर नीचे, जिससे आप अपना फ़ोन जो है वो चार्ज पे लगा सकते हैं, और फ़ोन को यहाँ पर कुछ इस टाइप से जो है वो रख सकते हैं चार्ज पे लगा के। और AC वेंट आपको यहाँ नहीं मिलते हैं, पिलर माउंट आपको रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट जो है वो मिलते हैं। ऊपर आपको काफ़ी बड़ा पैनारोमिक सनरूफ जो है वो मिल जाता है देखने को यहाँ पे, और डेफिनेटली यही चीज़ जो है इस गाड़ी को अब पहले से और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और लोगों को इसको लेने के लिए अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर आपको ये हैंडल मिलते हैं जिस पर कोट हुक दिया गया है, और एक ये लाइट यहाँ पर दी गई है, LED है ये, और सेम सिनेरियो वहाँ पर भी दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे आपको क्या कुछ मिलता है। थर्ड इतनी प्यारी आती है ना, मज़ा आता है बार बार गेट बंद करने में। यहाँ पर देखते हैं तो अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल, सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, यहाँ पर ये डोर हैंडल, और उसका शेप देखो कितना सही लग रहा है ना, और ये एक हैंडल जिसको पकड़ के आप गेट, इतने ही भारी गेट को ओपन करेंगे। बॉटल होल्डर,
यहाँ पर अगेन थोड़ा सा स्पेस, और इधर ये जो है एक अम्ब्रेला के लिए स्पेस दिए गए। कौन सी साइज़ का अम्ब्रेला रखना है, ये लाइट दी गई है। पीछे वाले गेट में भी ये लाइट यहाँ पर थी। स्पीकर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ये मैटिंग वगैरह जो है आपको लगवानी पड़ेगी, जो कैमरा एडिशन की आती है, जो सब आपको पैकेज लेना पड़ेगा 49,000 रुपीज़ का। उसमें आपको ये पूरी कंप्लीट अलग मिलेगी, इसमें लगी हुई नहीं है। तीन पेडल दिए गए हैं, फुटरेस्ट भी आपको एक ही डेड पेडल जो है वहाँ पर दिया हुआ है, बट छोटा है वो साइज़ में, तो ज़्यादा यूज़फुल जो है वो रहता नहीं है। अब जो सीट की साइज़ है वो आगे वाली भी काफ़ी अच्छी है, लाइक इसमें साइड जो ये पोर्शन है वो काफ़ी अच्छी तरह से आपको सपोर्ट करके रखता है। अब जब कॉर्निंग वगैरह करते हैं तो सीट जो है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है, बट ये इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर नहीं दी गई है इस एडिशन में। अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन, ये फिनिश बहुत ही प्यारी मिलती है, एल्यूमिनियम फिनिश यहाँ पर मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और ये एसी वेंट्स दिए गए हैं, ट्वीटर्स जो हैं ए पिलर पे माउंट किए गए हैं। और चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ पे इसको देख सकते हैं, एनालॉग के अंदर दिया हुआ है, बीच में MID दी गई है, और जो स्टेयरिंग व्हील है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मैसिव स्टेयरिंग व्हील मिलती है, और यहाँ पर सिल्वर कलर की फिनिश में आपको जो है टाटा का लोगो। इधर सारे वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह के कंट्रोल्स मिलते हैं, टेलीफोन के कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल जो है वो मिल जाता है, और इधर आपको जो है सारे जो सेम आते हैं लाइक लाइट्स के कंट्रोल्स, हेडलाइट वगैरह के, और इधर वॉशर वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। सेंटर में आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, उसी के नीचे एयर वेंट्स, और यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिलता है जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, लाइक यहाँ पर आपको फ़ोन रखना इतना ईजी नहीं है। मैं आपको रख के बताता हूँ, ये देखो मेरा तो खैर फ़ोन छोटा सा है तो चले गया, बट अब निकालने में थोड़ी सी जो है मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, तो साइज़ जो है वो फ़ोन की मैटर करती है, अगर ज़्यादा बड़ा फ़ोन होगा तो आपको दिक्कत जो है वो ज़रूर से आएगी। और ये ऑक्स केबल दी गई है, यहीं पे एक USB पोर्ट दी गई है, ये एक थोड़ा सा स्पेस बनाया है, बेटर इसको हटा दिया जाता और यहाँ पर एक बड़ा स्पेस रख देते, दो फ़ोन यहाँ पर आराम से रख सकते थे। ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये एक मैकेनिज्म जो एयरक्राफ्ट स्टाइल में हैंड ब्रेक दिया हुआ है, और ये मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से पसंद नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी इनकन्वीनियंट है इसको लाइक ऊपर लेना नीचे करना। यहाँ पर ये तीन बॉटल होल्डर दिए गए हैं, जिसमें तीन तो कोक रख नहीं सकते हैं, दो ही कोक हमेशा प्रॉपर तरीके से आराम से फिट बैठती है। और ये देख सकते हैं आर्म रेस्ट के अंदर भी थोड़ा सा स्टोरेज है, और ये कूल्ड आर्म रेस्ट है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, और दो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर भी जो है 2.4 एम्पियर की दी गई है, और ये एडजस्टेबल आपको जो है वो नहीं मिलता है, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में जो है ये आर्म रेस्ट मिलता है। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं, तो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है स्पेस इसके अंदर आपको मिलती है, कोई दिक्कत जो है वो आएगी नहीं। और जो सॉफ्ट टच मटेरियल में आपको जो है ये डैशबोर्ड दिया गया है, लाइट लो करके बता देता हूँ, ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट टच मटेरियल कंपनी ने यहाँ पर यूज़ करा है। तो बाकी फिट एंड फिनिश जो है वो बॉडी की काफ़ी अच्छी है। इधर आपको ये जो है मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलता है, यहाँ पर देखेंगे तो सनशेड पे कुछ भी नहीं है, कार्ड होल्डर भी नहीं है, और इस तरफ सनशेड पे देखते हैं तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलता है, वैनिटी मिरर तो देना चाहिए था सही, कोई सनग्लास वगैरह भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को जो है ये माइक मिल जाते हैं, और ये एक लाइट मिलती है जो कि अभी बंद है क्योंकि की इंसर्ट नहीं है, और ये जो है सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं सनरूफ के और शेड वगैरह को ओपन क्लोज करने के। तो ये है कैमो एडिशन के अंदर जो भी फीचर्स आपको दिख गए हैं वो मैंने बता दिए। अब मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ जिसमें आपको क्या कुछ फीचर्स जो हैं मिलते हैं कैमो एडिशन के अंदर, और उसके लिए आपको अलग से प्राइस पे करनी पड़ेगी। जैसे कि बॉडी कारपेट मिलता है, रूफ रेल्स मिल जाएगी, और ये जो डोर सील्स आती हैं ये आपको मिल जाएगी, और ऐसी पूरी लिस्ट जो है एक काम करूँगा मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा स्क्रीन पे पूरा, ये लिख के मेरे पास में चार्ट बना हुआ है, तो उससे होगा क्या कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ये जो XT प्लस वेरियंट था कैमो एडिशन का, ये अराउंड 17.30 लाख रुपीज़ एक्शोरूम है। इसके ऊपर अगर आपको बेस्ट डील चाहिए दिल्ली NCR में, नोएडा में, तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट डील मिल जाएगी टाटा की किसी भी गाड़ी पर, और डेफिनेटली आप उसको चेकआउट कर लेना। और कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं हो अभी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जाकर कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पर कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर देना। मैं कार्स, बाइक, स्कूटर्स की न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ कल इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाँ फ्रेंड्स ड्राइव सेफ।